नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप लोग देख रहे हैं मायूब जॉन यूट्यूब चैनल को, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, आपने थंबनेल देखा ठीक, उस पर बात करेंगे। आज मैं बताऊंगा डिफरेंस स्क्रूटनी क्या होता है, रीचेकिंग क्या होता है एंड री एवेल्यूएशन क्या होता है, तीनों का प्रोसेस क्या होता है, तीनों का फीस कितना लगता है, फॉर्म कैसे अप्लाई करा जाता है और किसको करना चाहिए, रिवेल्यूशन करना क्यों गलत माना जाता है, क्यों, कौन से लोग रिवेल्यूशन करते हैं, कौन से लोग स्क्रूटनी करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो में पूरे बने रहना एंड गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी टेंस है रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट उनका सही नहीं दिया गया बोर्ड की तरफ से, उनको ज़रूर ये वाला वीडियो भेजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ताकि उसका हेल्प हो जाए। जैसे कि मैंने इस पर सर्च करा, देखिए जैसा कि मैंने इस चीज़ टॉपिक पर सर्च करा यहाँ पे, तो मुझे कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जिससे आप लोग अच्छे से इजीली समझ पाओ। तो मैं सोचा कि किसी ने इस पर वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं क्यों ना इस पर वीडियो बना दूं एंड सभी लोग का डाउट जो है क्लियर कर दूं। सो चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए ब्लैक आपका स्क्रीन हो गया, तो डरिए नहीं, ये मैंने ही कराया। तो देखिए यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों का तीन चीज़ों पर बात करेंगे। तो स्क्रूटनी के बारे में बात करेंगे, पहले डिफरेंस समझ लीजिए, तभी मैं रीएवोल्यूशन के बारे में बात स्टार्ट करूँगा एंड रीएवोल्यूशन समझेंगे। बहुत लोगों को नहीं पता होता, जिनको पता है उनके लिए अच्छा है और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये समझना ज़रूरी है, रीएवोल्यूशन एंड रीचेकिंग, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ये रीचेकिंग है एंड ये रीएवोल्यूशन है एंड ये स्क्रूटनी है। तो ये तीनों में अंतर क्या होता है, अंतर समझने के लिए मैं बता दूं, स्क्रूटनी जो होता है रीएवोल्यूशन का ही छोटा भाई होता है, ऐसा समझ लो छोटा भाई होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्क्रूटनी में सिर्फ काउंटिंग होगा, आप स्क्रूटनी करेंगे तो आपका जो कॉपी होगा ना, फिर से पूरा चेक नहीं करेगा, वन बाई वन क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपका चेक नहीं करेगा, आपका जो भी काउंटिंग मिस्टेक होगा तो उसमें अगर होता है तो काउंटिंग में जितना नंबर बढ़ना चाहिए उतना बढ़ जाता है। स्क्रूटनी में जो होता है क्या होता है कि इसमें ना आप लोगों को काउंटिंग होगा एंड थोड़ा बहुत क्वेश्चन किसी पर ध्यान चला गया कि उसमें लिखा हुआ है बहुत सारा लेकिन नंबर कम है, तो वो तो चेक करने वाले पर डिपेंड करता है। तो इसमें ज़्यादातर काउंटिंग होगा, काउंटिंग मिस्टेक अगर होगा, गिनने में गलती हुआ होगा, जो भी आपका कॉपी चेक किया है टीचर्स, तो काउंटिंग करके आपका नंबर बढ़ जाता है इसमें स्क्रूटनी में ज़्यादातर काउंटिंग या गिनती करके ही नंबर बढ़ता है, कॉपी फिर से रिचेक नहीं करा जाता है कर को क्वेश्चन। एंड दूसरा क्या था मैंने बताया था, पहला स्क्रूटनी था, दूसरा री इवेल्यूशन था एंड तीसरा था रीचेकिंग। तो रीचेकिंग एंड स्क्रूटनी दोनों एक ही का नाम है। अब बात कर लेते हैं रीएवोल्यूशन, ठीक है, रीएवोल्यूशन एक अलग चीज़ है, रीएवोल्यूशन एक अलग चीज़ है। इसको समझने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। रीएवोल्यूशन का हिंदी मतलब होता है मूल्यांकन, इसको हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन मतलब समझ में आ गया आपका, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा रिस्की माना जाता है, रिस्की होता है एंड वही लोग करते हैं जिनको अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, अपने अंदर का जो फीलिंग्स है लगता है कि नहीं मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ है, मेरे साथ गलत किया गया है, बोर्ड वाले ने मेरा कॉपी चेक ही नहीं करा, मैंने बहुत अच्छा अच्छा लिख कर आया था एग्ज़ाम में लेकिन मेरा कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं करा, और चेक भी करा है तो ध्यान से नहीं करा है, ऐसे ही आया चेक कर दिया है, मतलब नंबर ही नहीं दिया है। तो उनको जिनके अपने अंदर लगता है नहीं यार मैं करूँगा तो करूँगा, मेरा नंबर मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो लोग रीएवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे। रीएवेल्यूएशन में क्या होता है ये समझिए, रीएवेल्यूएशन में आप लोगों को बताया क्या होता है, इसमें आपका कॉपी ये रहा, इसके लिए भी अप्लाई करना होता है, तो ये स्क्रूटनी के बाद अप्लाई होता है। स्क्रूटनी अभी निकला, उसका डेट फॉर्म डेट निकल गया है, 1 अप्रैल से स्टार्ट है बिहार बोर्ड का एंड बाकी बोर्ड का अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो उसका जैसे एग्ज़ाम होगा उन लोगों का भी स्क्रूटनी होगा, सभी बोर्ड में होता है। तो देखिए जो स्क्रूटनी हो गया, जिनको स्क्रूटनी कर लिए उसके बाद रीएवेल्यूएशन होता है, इसके लिए कोई अभी अपडेट नहीं निकाला गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका कोई कॉपी है, कोई बंदा अपना कॉपी दिया चेक करने के लिए, मान लेते हैं ये हिस्ट्री का कॉपी है, आपका हिस्ट्री में आपका कॉपी चेक नहीं हुआ, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया है, तो ये हिस्ट्री का कॉपी आपका कोई मास्टर उठाएगा, टीचर आपके जो भी होंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं ना, वो टीचर्स पिछले बार जो कॉपी आपका चेक किया वो नहीं होते, टीचर्स आपके
आपके न्यू मिलते हैं, मतलब नए मिलेंगे आपको, नया टीचर मिलेगा एंड नया अपने तरीके से वो चेक करेगा। पिछला वाला जो चेक करके गया है वो अपने तरीके से करा था एंड उसने आपका रिजल्ट ख़राब कर दिया था। जो इस बार चेक करेगा वो कोई नया होगा, नए टीचर्स होंगे और चेक करेंगे एंड वो अपने तरीके से मार्किंग करेगा, आपका मूल्यांकन करेगा एंड वो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 100 तक, अगर 70 नंबर का पेपर है तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 70 तक वो अपने तरीके से उसको हैंडल करेगा एंड चेक करेगा एंड वो देखेगा कितना बनाया है। इसमें 50 वर्ड में लिखना तो 50 वर्ड में लिखा है एंड सही सही लिखा है तो आपको फुल मार्क्स देगा। तो अपने तरीके से जैसा आपका आंसर रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसके जैसे आपका नंबर मिलेगा। तो ये समझ में आ गया। तो जनरली री एवेल्युएशन में ही आपका कॉपी फिर से दोबारा से चेक होता है एक एक करके ऊपर से लेकर नीचे तक एंड इसमें ऑब्जेक्टिव का नहीं चेक होता है, सब्जेक्टिव का ही। स्क्रूटनी में भी सब्जेक्टिव का होता है एंड इसमें भी सब्जेक्टिव का होता है। ऑब्जेक्टिव का हटा दो, ऑब्जेक्टिव का कोई रिवॉल्यूशन कॉपी चेकिंग स्क्रूटनी नहीं होता है। तो रिवॉल्यूशन में जो आपका सब्जेक्टिव पेपर था उसमें शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से चेक करा जाएगा और स्क्रूटनी के लिए आपको 60 CBSE में 60 रुपया लगता है लेकिन बिहार बोर्ड में आपका 70 रुपया लगता है। तो 70 रुपये हर कॉपी लगेगा, हर एक कॉपी के लिए आपको 70 रुपये देने होंगे एंड इसका जो री एवोल्यूशन है इसका आपको कितना रुपया देना पड़ेगा वो भी जान लीजिए। बिहार बोर्ड में 300 देना पड़ता है लेकिन CBSE में 500 देना पड़ता है एंड अदर बोर्ड में 400 भी देना पड़ता है। तो सभी बोर्ड का अलग अलग है, तो बिहार बोर्ड का 300 लगता है। ये मैंने अपने कम्युनिटी टैब में अपलोड कर रखा है फीस स्ट्रक्चर, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बता ही दिया, वहाँ पर नहीं भी देखोगे तो काम आपका चल जाएगा। सो समझ में आ गया, स्क्रूटनी री एवेल्यूएशन एंड रीचेकिंग। स्क्रूटनी रीचेकिंग दोनों एक ही चीज़ को कहा जाता है एंड री एवेल्यूएशन जो होता है वो आपका अलग चीज़ है। इसमें आपको एक स्कैंड कॉपी आप लोगों को भेजा जाएगा, आपका जो कॉपी आपने लिखा था उसको स्कैन कर देगा, स्कैन करने के बाद एक फ़ोटो कॉपी निकालेगा, फ़ोटो निकालने के बाद आपके पास भेज दिया जाएगा एंड आप उसको देख सकते हैं आपके साथ कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर बैठाया है, कहां पर गलत कर दिया है, कहां पर सही किया है, कितना नंबर देना चाहिए था, कितना नंबर नहीं दिया था। तो आपको कॉपी मिलेगा, स्कैन कॉपी मिल जाएगा। तो इसके लिए भी डेट निकलेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा एंड इसको भी ऑनलाइन प्रोसेस करने का एक प्रक्रिया है। हालांकि वो करके बताने में ज़्यादा अच्छा रहता है लेकिन मैं अभी थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, तो वो भी बता दूंगा, डेट अभी नहीं निकला है। तो यहाँ पर आपको एक स्कैन कॉपी मिलेगा। ये सभी बात हो गया जो जनरल बात करने थे। अब चलिए हम बात करते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करना है ना, या आपको स्क्रूटनी की तरह ही अप्लाई करना है। जहाँ से वो अप्लाई हो रहा है स्क्रूटनी, वहाँ से भी यही अप्लाई होगा, ये भी वहीं से अप्लाई होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी बोर्ड होगा आपका बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। उसके बाद जाने के बाद वहाँ पर देखना है, अगर आप मैट्रिक का कर रहे हैं तो मैट्रिक देख लीजिएगा, अगर इंटरमीडिएट का कर रहे हैं तो वहाँ पर इंटरमीडिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। एंड वहाँ पर क्लिक करने के बाद स्क्रूटनी आइकन आपको मिलेगा एंड री एवोल्यूशन का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। तो वो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और जो भी डिटेल्स मांगेंगे वो सब देख लेना है एंड अपना उसका जो फॉर्म फिलअप करा है उसका एक स्क्रीनशॉट रख लेना या फिर उसका प्रिंटआउट निकाल लेना, ठीक है। लास्ट में पेमेंट करना होगा, जो भी 300 400 500 लगेगा तो बिहार बोर्ड का 300 लगता है और CBSE का 500 लगता है, तो 300 पे कर देना है एंड वहाँ पर सबमिट कर देना है सारा फॉर्म। तो आपका फाइनल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा एंड सारा ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस। तो जो पेमेंट करा है उसका भी रिसिप्ट निकाल लेना, प्रिंटआउट निकाल लेना एंड सारा फॉर्म का प्रिंटआउट ज़रूर निकाल लेना, ठीक है। हाँ, इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो, जैसे कि आपका जो एनुअल एग्ज़ाम मार्कशीट निकला है, अभी रिज़ल्ट निकला है उसका मार्कशीट टोटल होना चाहिए और आपका रोल नंबर और एडमिट कार्ड दोनों होने चाहिए। रोल नंबर तो आपके पास हो गई और एडमिट कार्ड भी आपके पास हो गई एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका भी ले सकते हो या फिर अपने घर में फैमिली का भी चल सकता है इसमें, ठीक है। यह स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं है जो सिर्फ आपका ही लेगा, इसमें किसी का भी बैंक डिटेल्स चल सकता है। तो अपना ही देना ज़्यादा अच्छा रहता है अपना देने में। और इसके बाद अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर, कहने का मतलब आपका जो अभी सिम, जिस भी सिम आप चला रहे हो अपने फ़ोन में, कोई जो चालू नंबर है आप वो दे देना है। एनिमेल आईडी भी जिस पे आप अभी आपका चल रहा है उस पे मैसेज जाए तो आप लोग आसानी से उसे पढ़ पाओ। तो यही था और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंड लास्ट में आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स है सबमिट कर देना है बोर्ड के पास, आपका फिर से सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कॉपी वगैरह चेक होगा एंड उसका एक स्कैन कॉपी भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस होता है री एवेल्युएशन का, ओके।
उसके बाद रिएवोल्यूशन किए तो उसका रिजल्ट भी आएगा, आना ही है, क्यों नहीं आएगा? रिजल्ट आएगा तो कब आएगा? तो यार अभी रिएवोल्यूशन का ही मतलब पता नहीं है कब होगा, तो रिजल्ट कब होगा उसके बारे में तो अभी और नहीं पता है मुझे, जैसे ही अपडेट आएगा सब बता दूंगा। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करने से पहले कुछ बोलना चाहूँगा, अगर आप स्वेयर हो, आप अपने जो भी करने जा रहे हो रिएवोल्यूशन उसके लिए आप स्वेयर हैं तभी करें, नहीं तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा कट सकता है इसमें, बहुत ज़्यादा। कोई क्वेश्चन आपने गलत सलत ऐसी भर के आ गया है, अगर वो चेक करने वाला अच्छा मिल जाए ना तो आपका पूरा काट देगा। सो समझ के ये कदम उठाना रिएवोल्यूशन का, अगर कॉन्फिडेंस अपने अंदर है तभी करो, वरना मत करो, ये मेरा अंदर का सजेशन है, मतलब दिल से बोल रहा हूँ यार, जो आया है वो भी नहीं रहेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।